जिनको हरियाणा कोना कोना में जिनकी साख है, और हमारे परिवार के बड़े, और जिनका हमेशा आशीर्वाद और मार्गदर्शन मुझे मिला है, जिनसे हर पल प्रेरणा मुझे मिली है, संघर्ष की प्रेरणा अगर मुझे मिली है तो हमेशा आदरणीय करण सिंह दलाल जी से मिली है। और यहां से जिनको आप बड़ी जीत, बड़े आशीर्वाद से आप चंडीगढ़ भेजेंगे, और जो है जितनी बड़ी आशीर्वाद से आप भेजेंगे, मैं समझता हूं उससे बड़ी जिम्मेदारी इस इलाके के लिए उनके हाथ में आएगी। और भाई देखो, जो देखो सारे हरियाणा की रिपोर्ट आपके पास आ गई कि नहीं आ गई, पहले तो ये बताओ। पूरे हरियाणा के कोने कोने की रिपोर्ट आ गई आपके पास? हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। हरियाणा कोने कोने से रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट आपके पास आ गई तो आपकी सरकार बनने जा रही है, और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बन रही है, तो ये मानो वो दलाल साहब के पलवल की सरकार बनने जा रही है। दलाल! भाई करण सिंह दलाल! तो ये मौका है, ये मौका है, इस मौके को चूकोगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं। एक बार पहले भी गलती करी है आपने, अब की बार नहीं। 2009 में मुझे याद है, अब के तो नहीं करोगे गलती? भाई ये मौका है इलाके को आगे लेके जाने का। हमारे बहुत ही आदरणीय करण सिंह दलाल जी, हमारे आदरणीय कर्नल सोनाराम जी, जो ये बता रहे थे कि मैं 4 बार सांसद रहा, 3 बार मैं हुड्डा साहब के सांसद था, ये बताना भूल गए कि 1 बार मेरे साथ सांसद, तो अपने भतीजे भूल गए। तो अपना हमारे आदरणीय चौधरी विजेंद्र सिंह जी, वो भी हमारे साथ सांसद रहे, सभी उपस्थित बहुत वरिष्ठ नेतागण अपने गांव से, चौधरी विजेंद्र जी चेयरमैन, जयपाल जी सरपंच, गजराज जी सरपंच, हमारे छिदड़ी जी सरपंच, होशियार जी सरपंच, रायंदर नेता जी, चौधरी जसमत जी, चौधरी बच्चू सिंह नेता जी, कुलबीर नंबरदार जी, सुखना सरपंच जी, जिले सिंह जी नंबरदार जी, और सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहन, आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में, मैं आपको बता दूं, चुनाव प्रचार शुरू हुए लगभग 20-25 दिन हो गए। सबसे पहले मैं अंबाला गया चुनाव में, अंबाला से पूछा क्या होगा, जिस अंबाला से 3 महीने पहले बड़े बहुमत से वरुण मुलाना जी कांग्रेस से जीत के संसद में पहुंचे थे लोकसभा में, तो अंबाला की यह रिपोर्ट आई कि अंबाला की 9 सीट कांग्रेस की झोली में जा रही है। फिर हम आए सोनीपत, जहां हमारे पंडित जी महाराज सतपाल ब्रह्मचारी जी बड़े बहुमत से जीत के कांग्रेस पार्टी से लोकसभा में पहुंचे थे 3 महीने पहले। वहां पूछा, विनेश फोगाट बहन के नामांकन पे मैं गया था, हमारी बहन खिलाड़ी विनेश फोगाट, उसके नामांकन पे आपने देखा होगा, वहां ये पूछा क्या हो रहा है, तो बोला सोनीपत की 9 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में जा रही है। हिसार में पूछा, जहां जयप्रकाश जी जीते कांग्रेस पार्टी से 3 महीने पहले, वहां भी हिसार की 9 सीट कांग्रेस पार्टी, और ये बता रहा हूं मैं एक और बात, आदमपुर भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है, आप देखना नतीजा जब आएगा। सिरसा गए, जहां बहन शैलजा जी अभी 3 लाख मतों से बड़े मतों से जीती थी 3 महीने पहले, सिरसा में पूछा सिरसा में क्या हो रहा है, सिरसा की 9 सीट, और जरा चेक करना एलनाबाद में भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है सिरसा की भी सारी सीट। भाई रोहतक की तो मैं क्या बताऊं, रोहतक की तो रिपोर्ट, भाई आप रिश्तेदार हो ज्यादा रखते हो रिपोर्ट, तो भाई सारी, तो भाई पूरे हरियाणा में लोगों ने मन बनाया है, बीजेपी की ये सरकार, जिस सरकार ने हरियाणा को विकास और खुशहाली की पटरी से उतार दिया और हर वर्ग को नुकसान पहुंचाया, 10 साल की ऐसी सरकार नहीं आई होगी। जो हरियाणा विकास का प्रतीक था, आज वो देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में, और ये हम नहीं कह रहे, भारत सरकार संसद में, भारत सरकार ने आंकड़े पेश किए, इस साल की 28 प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया अपराध में, क्राइम रेट में, क्राइम सबसे ज्यादा अपराध दर, ये भी भारत सरकार का आंकड़ा, देश में नंबर 1 क्राइम में,
देश में नंबर एक नशे में, हरियाणा के एक बहुत बड़े हिस्से में नशा आ गया, पंजाब से, पंजाब से आगे निकल गया नशे में। देश में हरियाणा का नाम हो गया भ्रष्टाचार में, क्योंकि ये जो डबल इंजन की सरकार बनी थी खट्टर दुष्यंत डबल इंजन, ये तो केवल लूटने के लिए और भ्रष्टाचार के लिए डबल इंजन था, यही बात है ना। काम तो कुछ नहीं है, तो डबल इंजन तो फेल हो गया। डबल इंजन फेल हो गया कि नहीं हो गया इनका? और डब्बे तो रह गए, केवल इंजन रह गए। और वो इंजन भी समझौते से समझौता तोड़ा लोकसभा के चुनाव से पहले, और कितना लूटा होगा, कोई शराब घोटाला, माइनिंग घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, आप अंदाजा लगाओ। जिस दिन समझौता टूटा, दुष्यंत चौटाला का बयान आया, बीजेपी के घोटालों के राज बताऊंगा, अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराऊंगा, समझ गए? तो अब बताओ, 5 साल लूट के अब एक दूसरे को वो बता रहे हैं, वो तो डबल इंजन हो गया फेल, वो तो डबल इंजन हो गया फेल। पलवल को पूरे हरियाणा में सबसे आगे लेके जाने के लिए आप हुड्डा साहब का, दलाल साहब का डबल इंजन पहुंचा दो चंडीगढ़ में, आज मैं ये कहने के लिए आया हूँ। करण सिंह दलाल, करण सिंह दलाल, वो तो डबल इंजन फेल हो गया, आप अपना डबल इंजन पहुंचाओ ताकि पलवल आगे जाए। विकास के मामले में आपको याद होगा, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में दलाल साहब ने पलवल के विकास को नया नक्शा दिया था, नया जिला बना पलवल, सेक्रेटरिएट आया, विकास आगे बढ़ा, ये 4 लेन सड़क, मथुरा रोड, सारी उस समय की देन है। लेकिन तब से लेकर आज तक विकास की पटरी से उतर गया, फरीदाबाद भी, हरियाणा भी, आखिरी मेट्रो का खंभा, आखिरी मेट्रो का खंभा जहां बल्लभगढ़ में हमने, जहां पे छोड़ के गए थे, एक खंभा इसी से तोड़ हो जाता है। कर्नल साहब आप अंदाजा लगाओ, हुड्डा सरकार में 81 किलोमीटर मेट्रो 4 शहर मेट्रो से जोड़े गए, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, गुड़गांव और भादुगढ़, 81 किलोमीटर मेट्रो बने हरियाणा में। 10 साल में मेट्रो नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई नोएडा से ग्रेटर नोएडा? मैं 10 साल में खट्टर साहब बीजेपी सरकार ने 1 इंच मेट्रो आगे नहीं, एक खंभा कहीं हरियाणा में एक खंभा बनवाया है तो खट्टर साहब आप बता दो, उस पर आप भी आ जाना, हम भी आ जाएंगे, वहीं फैसला हो जाएगा। और नहीं बनवाया है तो सुनो, 8 अक्टूबर को नतीजा आ रहा है, कांग्रेस के पक्ष में नतीजा आ रहा है, और सारे जो चंडीगढ़ अधिकारी बैठे हैं उनसे हम सारे अधिकारियों से कहना चाहते हैं, जो चंडीगढ़ अधिकारी बैठे हैं, कि भाई जो मेट्रो की फाइल है, मेट्रो की फाइल को तैयार कर लें, भादुगढ़ से रोहतक और बल्लभगढ़ से पलवल तक की मेट्रो की फाइल लेके 8 या 9 तारीख को आ जाएं। भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, चंडीगढ़ के अधिकारियों से जो बैठे हैं, जो 8 अक्टूबर के नतीजे के बाद रात को पलवल तक मेट्रो, रोहतक तक मेट्रो पहुंचाने की फाइल लेके सबसे पहले आएगा, उस अधिकारी का हम ख्याल रखेंगे, ठीक बात है ना। तो ये सरकार आपकी बन रही है विकास को आगे लेके जाने का। और बीजेपी ने कितना नुकसान किया, काम तो किया नहीं लेकिन काम खराब कर दिया हरियाणा का, हर आदमी को उलझा दिया, आम आदमी को उलझा दिया, पोर्टल में, फैमिली आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में, नौजवानों को उलझा दिया, कच्ची नौकरियों में, सीटी में, पक्की नौकरी बीजेपी खा गई कि नहीं खा गई? पक्की नौकरी कोई लिस्ट नहीं लगी, केवल तारीख पे तारीख मिली, जो सनी देओल का डायलॉग था तालदामिनी पिक्चर का, था ना डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, नौजवानों को केवल तारीख पे तारीख मिली। भर्ती घोटाले, एचपीएससी के दफ्तर में 1.5 करोड़ की बरामदगी, कोई एक लिस्ट नहीं आई, जो छोटी मोटी क्लास 1-2 की आई एचसीएस, उनमें भी हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चों का नंबर लगा, ऐसी लिस्ट आई, कोई नौकरी मिली नहीं। हरियाणा में कौशल निगम ले आए, हरियाणा के 2 लाख सरकारी पद या तो समाप्त कर दिए या 1.5 लाख पदों पर बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन कच्ची भर्ती कर दी, 1.5 लाख पदों। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्यारी ये सरकार साबित हुई, सरकारी नौकरियों को खा गई ये सरकार और कच्ची भर्ती बिना रिजर्वेशन के बच्चों को लगाने वाली ये सरकार, ये साबित हुई हरियाणा के अंदर। आपने देखा लोगों को उलझा दिया कहीं कच्ची नौकरी में, और फौज में भी अग्निवीर ले आए, करें तो करें क्या? और कोई ऐसा वर्ग नहीं, ऐसी सरकार पहली बार आई होगी, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको सड़क पे सरकार ना लाई हो, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान इन्होंने ना किया हो। कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने, उन पे लाठी चार्ज, आंगनवाड़ी आशा वर्कर गई अपने अधिकारों के लिए, उन पे लाठी चार्ज, सरपंच नए ताजे आपने जिताए थे,
जिताए थे कि नहीं जिताए थे? सरपंच नए ताजे जिताए थे, बड़े आत्मविश्वास के साथ बड़े सिंगर के गए चंडीगढ़, सरपंचों पे लाठी लाठियां बरसी। किसान एक साल तक बैठा रहा, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटवाने वाली ये सरकार साबित हुई। क्या कसूर था उन बेटियों का? वो केवल न्याय मांग रही थी, 6 महीने तक FIR तक भी दर्ज नहीं करी, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा सरकार ने इतना घोर अन्याय, नागरिक नागरिक में भेदभाव नहीं किया जा सकता और राजधर्म ये कहता है और बेटी का मान सम्मान हो तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अपनी दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत देखना इस देश की संस्कृति है, लेकिन क्योंकि वो हरियाणा की बेटियां थी, आपकी बेटियां थी, उनको न्याय नहीं मिला। कितने आपके प्रति सरकार के दिल के अंदर कितना घृणा का भाव होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोई वर्ग नहीं बचा इस सरकार ने जिसके साथ अपमान जिसका ना किया हो। अहंकार इतना पहुंच गया कि आखिर में तो नारा दे दिया 400 पार का, 400 पार बाबा साहब के संविधान को तोड़ेंगे। नारा दे दिया था कि नहीं दे दिया लोकसभा में? लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान को बचाया और 400 पार के नारे को लोगों ने उसकी हवा निकाल दी, अल्पमत की सरकार बनी। और अब हरियाणा की बारी है, पूरा देश देख रहा है हरियाणा क्या फैसला करेगा। आप देख रहे हैं 10 साल की इनकी सरकार के बाद भी दिल्ली से इनके बड़े बड़े नेता आते हैं हरियाणा में, दिल्ली से आते हैं, अपना काम नहीं बताते। गरीब के लिए कुछ काम किया हो, गरीब की सारी स्कीम बंद कर दी इन्होंने, मकान की स्कीम बंद कर दी, प्लॉट की स्कीम बंद कर दी, राशन में जो दाल चीनी तेल मिलता था वो बंद करा दिया 10 साल तक, गरीब को मार दिया, किसान को, कोई अपना काम नहीं बताएंगे। दिल्ली से इनके नेता आएंगे तो केवल कांग्रेस पार्टी पर, हुड्डा साहब पर निशाना साध के वापस जाएंगे 10 साल की सरकार के बाद। तो भाई आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जब नतीजा आएगा, जब नतीजा आएगा तो दिल्ली बैठे इनके नेताओं को ये पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा कि ये हरियाणा है प्रधान? बता दोगे नहीं बता दोगे? ये पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा कि भाई ये हरियाणा है प्रधान? ठीक बात है ना, यहाँ लोग अपमान, ये छत्तीस बिरादरी का हमारा प्यार प्रेम, एक दूसरे का मान सम्मान। आपकी सरकार बनेगी हरियाणा में और सरकार बनते ही हर वर्ग के हित के हम फैसले लेंगे। सबसे पहली कलम से बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। हमारी माताओं और बहनों को 2000 रुपये रसोई पेंशन, माताओं और बहनों को जो 60 साल से कम की उम्र की माता बहन है उनके लिए 2000 रसोई पेंशन बनवाने का काम सबसे पहले करेंगे। भाई ने सबसे पहले ताली बजाई माताओं बहनों की पेंशन पे, भाई घर जाके लड़ना नहीं है भाभी से, वो उनके खाते में जाएगी। मैंने देखा भाई सबसे ज्यादा खुश भाई हुआ। तो भाई और कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम, किसान को MSP गारंटी और गरीब की सारी स्कीम दोबारा, SC समाज और OBC समाज के हमारे परिवारों के लिए और छत्तीस बिरादरी के BPL परिवारों के लिए दोबारा से 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम और जरूरतमंद को इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख तक की आर्थिक मदद से मकान दिलवाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार के तर्ज पर हरियाणा में भी अगर हारी बीमारी हो जाए किसको, तो हारी बीमारी में कोई इलाज का ज्यादा खर्चा हो जाए तो ऐसे परिवार को बहुत मुश्किल आ जाती है, दुख का पहाड़ टूट पड़ता है, तो ऐसे परिवार के लिए 25 लाख तक का सरकारी मदद से खर्च इलाज के ऊपर, चिरंजीवी योजना जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सरकार ने किया, और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की सरकार के तर्ज पर महंगाई की कमर लगाते हुए 300 यूनिट तक बिजली में राहत और 500 रुपये गैस सिलेंडर दिलवाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और 2 लाख जो सारे सरकारी पद जो समाप्त कर दिए खाली पड़े हैं, 2 लाख पदों पर समयबद्ध और मेरिट पर हमारे अपने नौजवानों को ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग और 36 बिरादरी को एक साथ लेकर आगे हरियाणा खुशहाली की तरफ बढ़े, 36 बिरादरी हर धर्म हर वर्ग एक साथ चले। BJP वाले समाज को तोड़ के राजनीति करते हैं, कांग्रेस जोड़ के राजनीति करती है, तोड़ेंगे और हम जोड़े। ये देखो अपने आप बोले, हमने तो कहा नहीं बोले, ये अंदर से आवाज आई क्योंकि इंसानियत की आवाज है, ये भगवान की आवाज। और जहां तक पलवल की बात है भाई, पलवल के लिए तो आप सोच सकते हैं, ये आपकी सरकार बनने जा रही है भाई। मैं समझता हूं कि
मेरे लिए तो भाई हुड्डा साहब में और दलाल साहब में कोई फर्क नहीं है, हमारे घर के बड़े हैं। और ये मौका है, चंडीगढ़ में पलवल की सरकार बनाने का मौका है, इस मौके में इस मौके को चूकना मत। सरकार कांग्रेस पर, एक बात बताओ, सरकार कांग्रेस की बन रही है कि नहीं बन रही है? हुड्डा साहब की सरकार बन रही है कि नहीं बन रही है? और दलाल साहब पूरे प्रदेश में, दलाल साहब की एक एक जगह पूरे प्रदेश में, दलाल साहब के संघर्ष की एक एक जगह साख है कि नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो भाई, और दलाल साहब और हुड्डा साहब एक हैं कि नहीं है, यूं बताओ, कोई फर्क तो नहीं है? तो भाई मैं तो भाई दोनों का छोटा हूँ, मेरे को तो भाई देखो, मैं तो इसीलिए सिफारिश कर रहा हूँ दलाल साहब की कि 8 अक्टूबर के बाद मेरे को अपने हल्के के कामों की सिफारिश के लिए दलाल साहब से और हुड्डा साहब से सिफारिश करानी पड़ेगी भाई। तो भाई, तो भाई मैं, सही बात है ना? तो मैं भाई आज मैं ठोक के सिफारिश कर दूं, क्योंकि 8 के बाद क्यों दलाल, क्यों कर्नल साहब, ठीक बात है ना? तो भाई सिफारिश इनसे करानी पड़ेगी, क्योंकि कलम इन लोगों के पास होगी भाई। तो भाई, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आज आपने इतना मान सम्मान किया, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि भाई वैसे तो आप जिता ही रहे थे, लेकिन भाई आपके बीच में पहुंचे हैं, तो आने से थोड़ा सा कुछ बढ़ाओगे? बताओ, एक बार हाथ उठा करके पूरे गांव गांव से मैं कहना चाहता हूँ भाई, ज्यादा से ज्यादा। ये देखो भाई, सुनो, वैसे तो दलाल साहब, देखो वैसे तो दलाल साहब को आप जिता रहे हो, दूर तक खबर है, और मगर ये पता चलना चाहिए, देखो घोड़ी गांव में आज मेरे को आने का अवसर मिला है, मैं तब मानूंगा भाई गांव के लिए, और मैं धन्यवाद करने, जैसे हेलीकॉप्टर में आ जाया हूँ, धन्यवाद करने के लिए सरकार बनते ही पहले, सबसे पहले यहाँ आऊंगा, नंबर एक पे यहाँ से जिताना भाई, 36 बिरादरी से मैं कहना चाहता हूँ, अपना गांव सबसे नंबर एक पे निकले भाई, ये अपना गांव नंबर एक पे आप पहुँचा देना, और भाई पलवल को विकास में नंबर एक पे हम पहुँचाने का काम करेंगे भाई। ये हरियाणा का शेर भाई करण दलाल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।